प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज दिन की शुरुआत है सुबह के 8 से, तो आज है महालक्ष्मी पूजन, यानी कि आज है बड़ी दिवाली। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी लोग खूब अच्छे से दिवाली बनाएं। तो दोस्तों, हस्बैंड तो जा चुके हैं क्योंकि दिवाली की वजह से वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और आज का टास्क है कि मीठी सारा काम करेगी, मतलब डेकोरेशन और पूजा पाठ सब कुछ मीठी करेगी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। और महालक्ष्मी भी आज मीठी खुद ही बनाएगी, तो देखते हैं आज मीठी कैसी लक्ष्मी बनाती है। और अभी चल रहा है बच्चों का ब्रश, अभी उठे हैं और एक चाय तो मैंने पी ली, अब एक और चाय जो है वो मीठी बनाएगी क्योंकि अभी बहुत अच्छी चाय बनाने लगी है। तो ठीक है, बच्चों को ये सब कुछ कराना चाहिए वरना इन्हें फ़ोन चाहिए। तो कल रात भी इसने पनीर की सब्जी रोटी बनाई, तो मैंने कहा अब तुम बनाना सीखो धीरे धीरे, जब कुछ काम करो। तो दोस्तों, यहाँ काटा जा रहा है गन्ना। हर साल दिवाली में जो गन्ने लगाते हैं वो हम खुद अपने घर का गन्ना यूज़ करते हैं, तो दादी ने गन्ने काट के रख दिए। और गन्ने लेने वाले भी बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ। अब ये डिसाइड हो रहा है कि गन्ने किसको किसको देने हैं। चार गन्ने तो हमने अपने घर के लिए रख लिए हैं। तो दोस्तों, आज की चाय बन रही है मीठी के हाथ की, रोज बनाते हैं इसके पापा, आज बना रही है मीठी। तो दोस्तों, इतने दिनों से काम होते हुए भी आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, अब रहा थोड़ा बहुत काम। जो कर्टन्स वगैरह ये वाले मैं चेंज करवा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा मैच नहीं कर रहे हैं घर से, तो मैं सोच रही हूँ इस कर्टन को हटा के इसमें थोड़ा सा येलो वाले कर्टन लगाऊँ जो मेरे अंदर लगा रखे हैं, जो इनके कवर हैं ये वाला मैं लगाती हूँ। बाकी माला वगैरह मेरी सब कुछ सेट हो गई है, ये देखिए कली माला हमने सेट कर दी थी दरवाजे में। अब एक यहाँ पर लगा रखा है, एक और लगाती हूँ इसके बगल में, बाकी अब झाड़ू पोछा रह गया है। तो दोस्तों, मैंने बुलाया है अभी अपनी देवर को क्योंकि यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है, मैं छोटी हूँ, मेरी हाइट कम है। तो अज्जू करेंगे पर्दे चेंज, ये वाले पर्दे लगेंगे। हाँ, मेरे बच्चे भी मुझसे बड़े हैं, मैं ही छोटी रह गई, तो अज्जू कर रहे हैं मेरी हेल्प। इन्होंने बहुत हेल्प करी, कल ये भी लगवाने में हेल्प करी अज्जू ने मेरी। तो हर साल वैसे यही करते हैं, मेरा हाथ पहुँचता नहीं है तो यही लगाते हैं यहाँ पर। और मीठी लगी है सफाई में, इसने चेंज करी है यहाँ बेडशीट, आज हमने बिछाई है ये नई वाली बेडशीट मेरे बेड में और मीठी के बेड में। लेकिन अभी मीठी अभी और सेटिंग करेगी थोड़ा, और कुह भी लगी आज कपड़े धोने में, तो आपको दिखाती हूँ कुह का क्या हाल है आज। तेरा ब्लॉग बन रहा है, कुह इधर धो रही है कपड़े इतने ढेर सारे। तो दोस्तों, लगी है मीठी भी सफाई में, ये देखिए इसने टेबल चमकाने का जिम्मा ले रखा। आज मेरी बच्ची ने मेरा बहुत काम किया है, बहुत हेल्प तो करनी चाहिए वैसे मम्मा के लिए, इतना तो इन्होंने छुट्टी इसीलिए मिली है इनको। और यहाँ देवर जी कर रहे हैं गपशप और घर बिखरा हुआ है। और आ गई है सुमित्रा। तो दोस्तों, ये है नई सदस्य हमारे घर की, तो नीतू तो चली गई, अब आई है हमारी ज़िंदगी में सुमित्रा। तो अब देखते हैं, नाम इनका सुमित्रा है तो ये हमारे लिए कितनी सुमित्रा बन के रहती हैं। तो आज बहुत काम है, तो अब सुमित्रा आ चुकी है, अब होगी सारी घर की झाड़ू पोछा और डस्टिंग। चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। तो सुमित्रा ने आते पकड़ ली अपनी कमान और ये शुरू हो गई है। तो आज सुमित्रा और मैं जम के करेंगे सफाई, सीढ़ियाँ भी धोएंगे। कैसा लग रहा सुमित्रा मेरे यहाँ काम करके, कैसा लग रहा बताओ? क्या मेरे यहाँ काम करके कैसा लग रहा तुम्हें? अच्छी लग रही है। तो सुमित्रा है नेपाल की, कहाँ की हो तुम? दालिक की। तो सुमित्रा है नेपाल के कौन से गांव की? दालिक। दालिक कौन सा गांव है? दनिया नहीं, दालिक दालिक। तो दोस्तों, ये वहाँ की है, आप लोगों को पता ही होगा कौन सा गांव है। तो अब ये और में लगते हैं सफाई अभियान में, फिर कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। तो दोस्तों, पहले हम करेंगे घर वाला रूम सेट, बाकी तो सेट हो गया, थोड़ा थोड़ा और सेट करना है, बाकी तुमने सब कल कर लिया है। और ये जो धुले हुए कपड़े हैं उनको समेटेंगे। और बाकी बाहर आ गया। तो दोस्तों, सुमित्रा बोल रही है कि मेरा वीडियो मत बनाओ क्योंकि मेरा अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, हम घर में जैसे रहते हैं वैसे तो हमें दिखाना है दोस्तों को। सो गाइस, अभी मैंने स्टेला को नहला दिया है, एंड स्टेला को नहलाते नहलाते मैं खुद इतना ज़्यादा भीग गई थी, उन्होंने कपड़े चेंज करे। एंड अभी यहाँ पे स्टेला आराम से बैठी है, मज़े कर रही है। स्टेला, स्टेलू, ये क्या कर रही है ये? एंड आपको बाहर दिखाती हूँ,
बाहर अभी लाइक घर इतना अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे पूरी सीढ़ियों की धुलाई वुलाई चल रही है। जाना मैं पानी करूंगी। तो यहाँ पे पूरी धुलाई चल रही है सीढ़ियों की। एंड स्टेला भौंक रही थी, तू आ जा। अच्छा मेरे को नहीं भौंक रही है स्टेला। बस हो गया यार, बस हो गया। अपने डॉग के साथ खेलो, मेरा हाथ थोड़ा खेलने के लिए। तो दोस्तों स्टेला ने भी नहा लिया है। स्टेला नहा करके देखिए कितना मस्त हो रही है। इसका ये टॉय जो है ये बहुत फेवरेट है, इस टॉय को ये बिल्कुल नहीं छोड़ती है। अगर ये टॉय कहीं ऊंचाई में हो तो इसके लिए बहुत भौंकती है। स्टेला नहा लिया मेरी बच्ची ने। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरी बच्ची की फर्स्ट दिवाली है आज, फर्स्ट दिवाली में बेबी की। तो नहा के बिल्कुल मस्त हो रही है। इसने वाइट नई चादर जो बिछाई वो भी ख़राब कर दी। अक्षत को लग गई है भूख, इसके लिए बनाती हूँ मैं खाना। और बाकी सारी सेटिंग हो चुकी है, सीढ़ी धुल गई। और ये देखिए चिड़ियाँ धुलते धुलते हाल बेहाल हो गया हमारा, हो गया ना हाल बेहाल चिड़ियाँ धोते धोते। तो दोस्तों घर की सारी साफ सफाई हो चुकी है। हाँ रेनो। तो दोस्तों अब हो चुकी है मेरी सफाई, साथ में बन गया खाना। खाने में आज मैंने बनाई है झोई और चावल। तो पहले खा लेते हैं खाना, फिर करेंगे और काम। इधर के कर्टन्स मैंने चेंज कर दिए, इधर भी मैंने ये लगा दिए, तो सारे घर में एक मैचिंग के हो गए ये वाले। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है हमारा, और मीठी ने लगा दिए यहाँ पर गणेश जी, और अभी लगाएगी ऊपर मंदिर। तो फ्रूट्स पहले लेके जाएगी मंदिर में, और साइड में करके रखो। स्टेला ने नहाया तो बिल्कुल ज़मीन में नहीं उतर रही है ये। इसको आज हमने तब प्यारा बना के रखा है स्टेलू, ठीक है। इसकी नक्शेबाजियाँ नहीं बेटा, अच्छे से नहीं रखे। बनाना हटा लो, दो हटा लो, साइड में ऐसे खड़े करके रखो, इसे अलग कर लो। तो आज मीठी को बहुत काम करना पड़ रहा है। इधर अक्षत ने डेकोरेट कर दिया है। सुखाई से भी चलते हैं ऊपर एक के ऊपर, एंड फिर ऊपर जाकर बहुत सारा काम करना है। तो दोस्तों पार्लर के मंदिर में भी हो गई है पूजा। ये देखिए कुछ ये है डेकोरेशन। लक्ष्मी गणेश तो दिख ही नहीं रहे। तो दोस्तों ये हो गई है, इधर चिपका दिए दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर हमने बनाई नहीं थी। यहाँ पे चिपकाने वाली लगाते हैं हम हर साल। और रेनू ने इधर लगाई नहीं लगाई, इधर वाली में नहीं लगा रखी है, उसमें भी लगवाती हूँ। तो दोस्तों घर का काम करते करते पार्लर में भी आ रहे हैं क्लाइंट, कुछ आईब्रोज वाले, कुछ सामान खरीदने वाले। तो अभी किसी को पिन चाहिए थी, अब ये पिन हमें भी चाहिएगी लक्ष्मी बनाने में, तो उसको मैं लेके जाती हूँ ऊपर। तो दोस्तों एक रंगोली ये बनी है हमारी, दूसरी रंगोली इधर बनी है। अब जाते हैं ऊपर लक्ष्मी बनाने, जो बनाएगी मीठी। अक्षत ने भी कुछ बनाई है, दिखाते हैं। तो दोस्तों मीठी लगा रही है मंदिर। सबसे पहले हम मंदिर में लगाएंगे गन्ना। तो हाँ बेटा इसको इधर की तरफ से लगाओ। हाँ अब नीचे फोल्ड करके उनके ऊपर लगाना। हाँ ऐसे नीचे को झुका लें। तो दोस्तों आज दोनों भाई बहन लगे हैं लक्ष्मी बनाने में, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी सीखें, इन्हें भी आए सब कुछ। अब आपको दिखाएंगे कैसे बनाती है मीठी लक्ष्मी। तो यहाँ तैयार कर दी मीठी ने मैया। तो अभी दोनों भाई बहन लगे हुए हैं काम में। छोटी तो दोस्तों मीठी की तो पीठ में दर्द हो चुका है, आज से पता चल रहा है कि मम्मा कितनी मेहनत करती है। बस ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मीठी ने तैयार कर दी है लक्ष्मी माँ, बहुत अच्छी तैयार की है। इसको तो दोस्तों अब दादी भी आ चुकी है, इधर मीठी ने लगा दी है लक्ष्मी। अब यहाँ लगाए जा रहे हैं लक्ष्मी गणेश चांदी के। अभी सीखा तो गाइस बन चुकी है हमारी माता रानी। आल शो यू, मैंने और अक्को ने बनाई है, बड़ी माँ भी डेकोरेट कर रही है मंदिर। गाइस ये देखो, ये मैंने और अक्को ने मिलकर बनाई है, बड़ी माँ भी बना रही है।
डेकोरेट कर रही है सब कुछ। तो आपको थोड़ी देर बाद, रात या फिर थोड़ी देर बाद, आपको पूरा अच्छे से पूरा टूर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई है डेकोरेशन, नैया हो गई है तैयार। ये देखिए दोस्तों, मंदिर वगैरह सब तैयारी करते करते हो गई है शाम। यहाँ बनाया गया है गेरू का, अब इसमें बनेगा एम्पड़। तो ये शुद्ध होता है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग हर साल ये भी ज़रूर बनाते हैं। यहाँ मचा रखे पटाखे, आज चलेंगे, इधर बनाए जा रहे हैं एम्पड़। वो ये क्या कर रही है बाहर, बाहर क्यों कर रही है? थोड़ा पानी, थोड़ा पानी और मिला इसमें, सूखा हो रहा है। देख भी सकती हूँ। तो यहाँ भी बनी हुई है रंगोली और इधर भी तैयार हो चुकी है देवी माँ। ये देखिए सारी तैयारी।